डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 8 के गणित विषय में हम एक्सरसाइज 2.4 पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 2.4 का अपना क्वेश्चन नंबर 9 है। द ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। फाइंड देयर प्रजेंट एज, यानी कि दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। ध्यान से पढ़ना कि दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक हो तो उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें दो कंडीशन दी हैं आपको। सबसे फर्स्ट कंडीशन है द ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, इनकी दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। तो जिसकी आयु की 10 गुनी होती है या जिसकी गुनी होती है उसे हम एक्स मान लेते हैं। देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। दादाजी की आयु पोत्री की आयु की 10 गुनी है, इनकी सॉल्यूशन करें तो ग्रैंड डॉटर की आयु से 10 टाइम्स है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज एक्स ईयर। माना पौत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बेटा, एक्स वर्ष। तो हिज ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स, तो उसका ग्रैंडफादर कितने को हो जाएगा। सो एज ऑफ ग्रैंडफादर, एज ऑफ ग्रैंडफादर यानी कि 10 एक्स ईयर, 10 टाइम है ना, यानी कि 10 गुनी। दादाजी की आयु पोत्री की आयु की 10 गुनी है। अतः दादाजी की आयु बराबर 10 एक्स वर्ष। फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, वह उससे 54 वर्ष बड़ा है। किससे, इनकी अगर ग्रैंडफादर की एज में से डॉटर की एज को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, 54 ईयर। देखो, उसकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। तो उसकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक होने का मतलब एज ऑफ ग्रैंडफादर माइनस एज ऑफ डॉटर इक्वल टू 54। दोनों का अंतर कितने का होगा, 54 का। दादाजी की आयु माइनस पौत्री की आयु, और दोनों का अंतर कितने का आएगा, 54 वर्ष का।
तो दादाजी की आयु है 10x, पोत्री की आयु है x इक्वल टू 54। 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9x इक्वल टू 54 एंड x इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 9 एंड x इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 6। तो अब हम निकाल देंगे दोनों के अलग अलग आयु। x की वैल्यू अपने पास 6 हो गई है तो ग्रैंड डॉटर कितने का था अपना x का? तो वो तो कितनी होगी? 6 ईयर की। और ग्रैंड फादर कितने का था? 10x। तो 10 × 6 इक्वल टू 60 ईयर। ये तो थी पौत्री और ये था दादाजी। तो दादाजी 60 साल का है और पोत्री 6 साल की। दोनों के एज का डिफरेंस भी कितने का है? देखो 60 − 6 54 का है और 10 टाइम्स भी। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 ईयर्स अगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी कि 10 साल पहले वह अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो दो कंडीशन दे रखी है, एक तो अमन से एज 3 टाइम्स एज इज सन्स एज, इनकी अमन की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो किसकी आयु की? पुत्र की आयु। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, जिनकी जिसकी मल्टीपल बोले उसी को लेट प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन एक्स ईयर, माना अमन के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष। तो अमन कितने का हो जाएगा? 3 टाइम्स है। सो प्रेजेंट एज ऑफ अमन, तो अमन की वर्तमान आयु कितने की हो जाएगी? 3 टाइम्स बेटा। इसका मतलब 3x ईयर। अतः अमन की वर्तमान आयु अमन की कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स, इनकी 3 गुनी 3x वर्ष। फिर बोल रहे हैं 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले एज ऑफ अमन सन बिफोर 10 ईयर दस वर्ष पहले अमन के पुत्र की आयु
कितनी होगी भाई? जैसे कि हम बोलेगी किसी की आयु अब 16 साल है, 10 साल पहले कितने का था? 16 माइनस 10 6 साल का था। तो उसी प्रकार से अब अमन कितने का है? एक्स ईयर का। तो 10 साल पहले कितने का हुआ करता था? वो एक्स माइनस 10 ईयर, एक्स माइनस 10 वर्ष। ये तो किसका हो गया? अमन का, अमन के पुत्र का। अब हम अमन की ओर निकाल देते हैं। एज ऑफ अमन बिफोर 10 ईयर, 10 साल पहले अमन 10 वर्ष पहले अमन की आयु। अब अमन है 3x का, 10 साल पहले, इसका मतलब सबट्रैक्ट करेंगे, इनकी 3x माइनस 10 ईयर, 3x माइनस 10 वर्ष। ध्यान देना, दोनों कंडीशन बना दी है कि अमन इज 3 टाइम्स एज इज सन्स एज, अमन उसके पुत्र से 3 गुना है। तो यहाँ अमन के पुत्र की एक्स ले ली, तो अमन कितने का हो गया? 3x का। फिर 10 ईयर अगो, 10 साल पहले, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो इनमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनकी अमन का पुत्र कितने का हो जाएगा? एक्स माइनस 10 का, और अमन हो जाएगा 3x माइनस 10 का। फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन है कि उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। इनकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी आयु किसकी आयु? अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो अमन की जो वर्तमान आयु अब बनाई है 10 साल पहले की, वो है 3x माइनस 10 इक्वल होगा उसके पुत्र कितने का है? एक्स माइनस 10 का। 5 गुना इनकी जो छोटा होता है उसको गुना कर दिया करो, छोटा है पुत्र, इसको 5 से गुना कर देते हैं। तो ये हो गया 3x माइनस 10 इक्वल टू 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 50। एक्स को इधर सेंड कर देते हैं, 50 इधर ले आते हैं, तो माइनस 10 ये 50 इधर आएगा, तो प्लस 50 इक्वल टू 5x, और ये 3 उधर जाएगा तो माइनस 3x। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x, और 50 माइनस 10 इक्वल टू 40, देन x इक्वल टू 40 बाई 2, x इक्वल टू 20, x की वैल्यू यहाँ पर हो गई है 20। तो अब हम निकाल देंगे अमन सन एज, अमन का सन कितने का था? एक्स, अमन के पुत्र की आयु एक्स का था, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 20। तो अमन का पुत्र तो कितने का होगा? 20। एंड अमन एज, अमन्स एज, अमन्स कितने का? 3x का। अमन की आयु तो 3 गुणा एक्स की वैल्यू 20, तो 60 ईयर। तो अमन का पुत्र तो 20 साल का, और अमन है
60 ईयर।